नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस जीके स्पेशल सीरीज में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने बात करी, हम पहुंचे हैं अभी, हमने मुगल साम्राज्य के बारे में बात की। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैसूर के बारे में, इसके साथ साथ हमने बात की सिखों और मराठों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम बात करेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन और उनका उदय, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम 1800 AD तक की बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने पश्चिम के साथ भारत को व्यापार प्रारंभ करने में मदद की थी? वो कौन सा यात्री था जिसने भारत को वेस्ट के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ व्यापार करने की मदद की थी या व्यापार शुरू करने में मदद की थी? ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, मार्को पोलो, वास्को डिगामा, इब्न बतूता या फिर मनुची। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था 1498 में। आपको ये बताना है ये जब भारत आया था ये भारत पर कौन सी जगह में सबसे पहले आया था। तो ये 1498 में आया था, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, किस यूरोपीय देश ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को अपने देश की राजकुमारी के साथ विवाह करने के उपलक्ष्य में मुंबई को दहेज के रूप में दिया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस था, जहां पर टकराव की स्थिति हो गई थी, लेकिन बाद में इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, इसके साथ अपने देश की राजकुमारी का विवाह कर दिया था, जिसकी वजह से मुंबई इन्हें वापस दहेज में मिल गई थी। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर स्पेन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पुर्तगाल। वो जो राजकुमारी थी वो पुर्तगाल की थी। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, वह लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया था, किस स्थान पर लड़ी गई थी? ये भी काफी फेमस लड़ाई थी। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, प्लासी या बैरकपुर या फिर बक्सर या फिर फिरोजपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बक्सर। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये 1760 के बाद हुआ था। ये एग्जैक्ट कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अंग्रेजों को काफी सारे जो हक है वो यहां पर मिल गए थे इंडिया पर रूल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्न में से कौन से देश के व्यापारी सबसे अंत में आए? कौन सा देश सबसे लास्ट में आया ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, डच, फ्रेंच या अंग्रेज या फिर पुर्तगाली। तो यहां पर इसको आपने बताना है सबसे लास्ट में जो है वो कौन आए थे। तो सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच। इनका जो सही क्रम रहा वो कुछ इस तरह से था, सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर आए फ्रेंच। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध के समय में, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और उसके बाद जो युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बंगाल का नवाब उस समय कौन था ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या मीर जाफर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1757 के समय में जो यहां पर रूलर था वो था सिराजुद्दौला, जो नवाब था बंगाल का। इसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिशों द्वारा पराजित संगठन के दल में नहीं था? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, मीर कासिम, शाह आलम, मीर जाफर या फिर शजाउद्दौला। तो इनमें से कौन था जो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिशों द्वारा पराजित, जो संगठन किया गया था उसमें नहीं था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बी, मीर जाफर। मीर जाफर उनमें नहीं था। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कर मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल सकती थी? ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके द्वारा एक ऐसी नीति लेकर आए थे, एक ऐसी व्यवस्था लेकर आए थे जिसके द्वारा जो किसान थे उन पर डायरेक्ट जो टैक्स लगा दिए गए, जिसके द्वारा जो सरकार है वो डायरेक्ट किसानों से वो राजस्व वसूल सकती थी। इसमें जो बीच के बिचौलिए थे उनको इसमें खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, रैयतवाड़ी या महालवाड़ी या जमींदारी या फिर स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो सवाल है ये आ सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो
व्यवस्था थी, ये थी रैतवाड़ी। तो रैतवाड़ी इसका सही जवाब है। रैतवाड़ी के द्वारा गरीब किसानों पर, किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था सरकार के द्वारा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में मोपला कृषकों ने निम्नलिखित में से किसकी निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये 19वीं शताब्दी की बात है, तो ये किसके खिलाफ किया था। ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, मुस्लिम शासक, हिंदू जमींदार, ब्रिटिश शासक या फिर हैदराबाद का निजाम। जो मोपला कृषकों ने निम्नलिखित में से किसकी निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिंदू जमींदार के खिलाफ। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहां पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, एक साइड दिया गया है जो जो यूरोपियन थे उनकी, वो यूरोपियन कंट्रीज थी वो दी गई है। एक है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। नेक्स्ट साइड दिया गया है गोवा, पुलिकट, बुगली या फिर चिंसुरा। तो इस तरह से दिया गया है, तो इसका जो सही क्रम है वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डच की। तो डच जो रिलेटेड है, डच रिलेटेड है पुलिकट से, तो ये इसके साथ रहेगा। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज को आप यहां पर बुगली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका सही क्रम है। पुर्तगीज की बात करें तो पुर्तगीज का रहा गोवा, फिर बचता है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी का रहा चिंसुरा। तो इसका जो राइट क्रम रहेगा वो रहेगा A2 B3। तो इस तरह से कुछ रहेगा A2 B3। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर की बात कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। ये नेक्स्ट इसके बाद है, अंग्रेजों से सिखों के हार जाने के बाद सन 1846 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर भूभाग को 75,000 रुपए में खरीद, तो ये खरीदा था गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट यहां पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया। तो ये किया सूरत में 1608 में। इनकी स्थापना के 8 साल बाद इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। नेक्स्ट यहां पर है, भारत में सर्वप्रथम अपनी कॉलोनी किस यूरोपीय देश ने बनाई। तो ये बनाई थी यहां पर पुर्तगीज ने। पुर्तगीज ने 1498 में सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, और 501 में इन्होंने गोवा को जीता था, और पुर्तगाल जो थे इन्होंने सबसे पहले अपनी कॉलोनी बनाई थी 1501 में गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था। यह भी पुर्तगीज ने ही शुरू किया था 1498 ईस्वी में, जब कालीकट जो केरल का कालीकट नगर है वहां पर पहुंचा था वास्को डिगामा। नेक्स्ट यहां पर है हुगली। हुगली है पश्चिम बंगाल में, ये एक नदी भी है और एक जगह भी है। तो ये है हुगली किस यूरोपीय का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। तो यूरोपियन में अंग्रेज, फ्रांस, डच, पुर्तगाली, इनमें से जो हुगली है वो किसका प्रसिद्ध केंद्र रहा, तो ये रहा अंग्रेजों का। नेक्स्ट यहां पर है, गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों से आजाद हुआ। तो गोवा हुआ आजाद 19 दिसंबर 1961 को। नेक्स्ट यहां पर है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया। अब देखिए, जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले क्या था, इससे पहले बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। और लेकिन जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत जो गवर्नर है उसकी पदवी को बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट यहां पर है, 1498 AD में वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था। तो ये पहुंचा था कोझिकोड, कालीकट, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ। पिट्स इंडिया पे एक्ट पास हुआ 1784 में। नेक्स्ट यहां पर है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रो को भारत सूरत में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। ये दी थी जहांगीर ने। उस समय जो शासन काल था वो जहांगीर का था। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ और नेक्स्ट पॉइंट है, बढ़ते क्रम में लगाए। बढ़ते क्रम कुछ इस तरह से है, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, फिर आए डच। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, सबसे पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, और लास्ट में आते हैं फ्रेंच। तो इसी तरह का इनका जो क्रम है वो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट यहां पर है, अंग्रेजों ने 19वीं सदी में किस उद्योग पर सबसे अधिक निवेश किया था। 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने किस पर सबसे ज्यादा निवेश किया था। लोहा, इस्पात पर, चीनी पर, कपड़ा पर, पौधारोपण पर। तो ये किया था पौधारोपण पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपनी कमियों को अगली वीडियोज में सुधार सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसको यूज करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें चैनल को, जो बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करें।